वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक विद चॉक। तो जैसे आप सबका पता है, अभी बैंकिंग में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में या फिर स्टेट लेवल एग्जाम में सबसे बड़ी चैलेंजिंग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का कट ऑफ मार्क क्लियर करना। तो ये कट ऑफ मार्क क्लियर करना इसीलिए चैलेंजिंग होता जा रहा है, इसीलिए एक चुनौती होता जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को ग्रामर में पकड़ नहीं है। अगर ग्रामर में हम लोगों को पकड़ होता तो हम जरूर कट ऑफ मार्क क्लियर कर पाते, क्योंकि जो वोकैबुलरी सेक्शन है इसमें कट ऑफ मार्क क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि इतने वोकैबुलरी पोर्शन में इतने वर्ड्स होते हैं, ये सब याद रखना पॉसिबल नहीं, बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो इस मैंने एक्सपीरियंस से जो देखा है उसी को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी लड़के अभी IBPS का या फिर स्टेट बैंक का या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम का कट ऑफ मार्क क्लियर कर रहे हैं, वो सब ग्रामर में एक्सपर्ट हैं। जब ग्रामर पोर्शन में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें 100% वो लोग करके आते हैं, और बाकी जो वोकैबुलरी पोर्शन है वो करते ही नहीं है, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इसमें मार्क मिलेगा या नहीं। तो उसी इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो प्रीपोजिशन है, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे और प्रीपोजिशन का पर्दाफाश करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज प्रीपोजिशन। सो यू कैन गेट एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रीपोजिशन इन स्टेट लेवल एग्जाम्स एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL एंड CHSL एग्जाम। So if you are an aspirant of banking exam, if you are an aspirant of staff selection commission CGL and CHSL exam and the aspirant of state level exams, then this video is going to be an instructive and educative video for you. So let's be skilled up and power the preparation. So let's get going with this video to get started. So aaj ka topic hai preposition. Preposition kya hote hain? प्रीपोजिशन एक वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले या फिर नाउन फ्रेज से पहले बैठता है, और डिरेक्शन दिखाता है, टाइम दिखाता है, प्लेस दिखाता है, या फिर स्पेशल रिलेशनशिप को दर्शाता है, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, उसी से हम प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे इन, एट, ऑफ एटसेट्रा। ठीक है। So on the basis of competitive exam, we can divide preposition into 3 types. One is common preposition, जो कि उसके meaning के हिसाब से बिठाना पड़ेगा, जैसे to दिल्ली, दिल्ली को जाना है, in the pocket, मतलब pocket के अंदर है, in का मतलब है अंदर, on मतलब ऊपर, तो meaning के हिसाब से जो जिसको बिठाना है उसको कॉमन प्रीपोजिशन कहेंगे। दूसरा है टाइम रिलेटेड, टाइम के हिसाब से जिसको बिठाना है, जैसे कि एट 5 PM, एट नाइट, एट नून, इसको टाइम प्रीपोजिशन में हमने इसको भाग किया है। तीसरा है वर्ड रिलेटेड प्रीपोजिशन, वर्ड रिलेटेड मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड के बाद एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन को बिठाना पड़ता है। किसी भी प्रीपोजिशन को हम किसी भी वर्ड के बाद हम बिठा नहीं सकते। ठीक है, तो वार के हिसाब से बिठाना पड़ेगा, जैसे कि accustomed to, accustomed means अभ्यस्त, habituated, तो इसके बाद to ही लगता है। हम अगर इसमें चाहेंगे कि accustomed के बाद हम off लगा देंगे, in लगा देंगे, तो नहीं होगा, accustomed के बाद to ही लगता है। इसी तरह से prefer to, prefer के बाद to ही लगेगा, I prefer coffee to tea। ठीक है, इसको हमने वर्ड रिलेटेड प्रीपोजिशन में डिवाइड किया हुआ है। तो 3 तरह का फिर प्रीपोजिशन हुआ, एक है कॉमन प्रीपोजिशन, दूसरा है टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशन, तीसरा है वर्ड रिलेटेड प्रीपोजिशन। तो चलिए उसी कॉमन प्रीपोजिशन को पहले समझते हैं। तो कॉमन प्रीपोजिशन का मतलब है जो मीनिंग के आधार पर बैठते हैं, उसी को हमने कॉमन प्रीपोजिशन के नाम से उसको डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे above, over, on, ये तीनों का मीनिंग है अपर, आप। ठीक है, लेकिन कब किसको कहाँ पे बिठाएंगे, जैसे on, पहले हम on को पकड़ते हैं,
और मतलब ए कैट इज ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर वो लगा हुआ है, सटा हुआ है, तो हम हॉर्न लगाएंगे। जैसे एक ये सपोज एक टेबल है और इसके ऊपर एक बॉल है, तो बॉल इज ऑन द टेबल क्योंकि ये लगा हुआ है, इसके साथ सटा हुआ है। ओवर को कहाँ पे लगाएंगे? ओवर रहेगा ओवर हेड, हेड के ऊपर जब भी कुछ भी चीजें रहेगा, कुछ भी चीज रहेगा तो उसको हम ओवर लगाते हैं। ओवर मतलब जैसे फैन इज ओवर आवर हेड, सन इज ओवर आवर हेड, क्यों इसमें ओवर लगा? क्योंकि ये हेड के ऊपर है। और एबव कहाँ पे लगाते हैं? जैसे एबव को हम इसी रैंक में लगाते हैं, ही इज थ्री रैंक एबव मीरा, ठीक है, मीरा के, मीरा से तीन रैंक ऊपर है, तीन रैंक बिलो है, तीन रैंक ऊपर है जो है, इसी में हम एबव लगाते हैं, ठीक है। देन अक्रॉस में आते हैं, अक्रॉस कब लगाएंगे? जब भी हम किसी को क्रॉस करके उस एक पार से दूसरे पार जाते हैं, जैसे नदी, एक नदी है, अक्रॉस द रिवर, बोट इज सेलिंग अक्रॉस द रिवर, मतलब इस छोर से उस छोर तक जाने वाला है, तभी हम अक्रॉस लगाएंगे। देन अगेंस्ट कब लगाते हैं? अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, जैसे कि कंप्लेन अगेंस्ट, ठीक है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिज फ्रेंड। और फिर लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ये एक वॉल है और ये एक लेडर है, सीढ़ी, तो ये जो सीढ़ी है ये लीनिंग अगेंस्ट द वॉल है। ए मैन नॉक अगेंस्ट द वॉल, वॉल में धक्का खाया, तो ये हुआ अगेंस्ट, उसी वक्त हम लगाते हैं। नहीं तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट, प्रोटेक्ट करते हैं जब भी अपने आप को सेफ रखने के लिए, जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तभी अगेंस्ट लगाते हैं। देन अलोंग, अलोंग मीन्स पैरेलल, सपोज ये एक रोड है, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब रोड के साथ पैरेलल होके जा रहा है, उसी वक्त हम अलोंग लगाते हैं। देन अराउंड, अराउंड तो अराउंड को कब लगाते हैं? अराउंड को सर्कलिंग, जब भी हम किसी भी फील्ड को सर्कल, सर्कुलर फील्ड को एनसर्कल करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, तो अभी अराउंड करते हैं, अराउंड द फील्ड, ही इज वॉकिंग अराउंड द फील्ड, मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं आकर के पहुँचेगा। और एट कब करते हैं? एट छोटे जगह हो तो एट लगाते हैं, बड़े जगह हो तो इन लगाते हैं। जैसे कि एट एट 14 जेएन जवाहरलाल नेहरू रोड, ठीक है, एट 14 जवाहरलाल नेहरू रोड दिल्ली, इन दिल्ली, एट 14 जेएन रोड इन दिल्ली, बड़ा जगह है दिल्ली इसीलिए इन लगाया, और छोटा जगह है जवाहरलाल नेहरू रोड इसीलिए हमने एट लगाया, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल दे के आपको समझा देता हूँ मैं, एट एट द एयरपोर्ट इन दिल्ली, ठीक है, एयरपोर्ट छोटा जगह है इसीलिए हमने एट लगाया, और दिल्ली बड़ा जगह है इसीलिए इन लगाया, और इन ओडिशा, ठीक है, इन कोलकाता, ये इन वेस्ट बंगाल, इन मुंबई, बड़ा जगह जब भी होगा तो हमको इन बिठाना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अभी बिलो, बिलो अंडर बिनिथ, ये तीनों का मीनिंग एक ही है, अंडर मतलब नीचे, लेकिन कहाँ कब कहाँ किसको बिठाएंगे? अंडर को कब बिठाएंगे? जैसे ये टेबल हुआ तो इसके नीचे अगर एक बॉल है तो द बॉल इज अंडर द टेबल, ठीक है, अंडर द टेबल। और बिलो कब लगाएंगे? बिलो, बिलो जब भी, बिलो माई रैंक, ही इज फोर्थ रैंक बिलो मोहन, ठीक है, उसी रैंकिंग के हिसाब से सीक्वेंस रैंकिंग में हम बिलो लगाते हैं, ठीक है। और बिनीथ को कब बिठाएंगे? बिनीथ तभी लगाते हैं, जैसे अब देख लीजिए,
प्रोस्ट्रेट मतलब क्या है, मतलब झुक के प्रणाम करना, वो प्रोस्ट्रेट बीनीथ हर फीट, हर फीट तो पैर में नीचे झुक के वो प्रणाम किया, तो उसी हिसाब से वो जो नीचे झुका उसमें हम बिलो नहीं लगा सकते या फिर अंडर नहीं लगा सकते, इसमें बिनित लगाते हैं। ठीक है, बिनित को कब लगाते हैं, जैसे अंडर लगा देंगे, सपोज ये एक पैर हुआ, ठीक है ये पैर हुआ, अंडर अगर इसमें मिट्टी खोद करके यहाँ पे वो झुका है तो यहाँ पे अंडर होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो झुक के प्रणाम कर रहा है, मतलब बिनित हर फीट। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, बिसाइड, बिसाइड मतलब बाय दी साइड ऑफ, ठीक है बिसाइड मतलब बाय दी साइड ऑफ, बिसाइड मतलब बाय दी साइड ऑफ मतलब साइड में, मीरा इज सिटिंग बिसाइड हीरा, हीरा के बगल में बैठा है, तो उसी वक्त हम बिसाइड लगाएंगे। और बिसाइड्स कब लगाएंगे, बिसाइड और बिसाइड्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, बिसाइड मतलब बाय दी साइड ऑफ, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, इन एडिशन टू मतलब क्या है, मतलब अगर हम ये कहना चाहेंगे कि वो एक टीचर होने के साथ साथ वो एक इंश्योरेंस एजेंट भी है, मतलब इन एडिशन टू ए टीचर ही इज ऑल्सो एन इंश्योरेंस एजेंट, उसी वक्त हम डिसाइड्स ले रहे हैं। तो डिसाइड्स ए टीचर ही इज एन इंश्योरेंस एजेंट ऑल्सो। देन बिटवीन और एमोंग और एमोंगस्ट, ये कब लगाते हैं, बिटवीन जब भी दो दो आदमी होते हैं टू, देन वी हैव टू यूज बिटवीन, ठीक है डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन टू सिस्टर्स, बिटवीन लगाएंगे क्यों, ना दो सिस्टर्स हैं, दो बहनें हैं। देन एमोंग कब लगाएंगे, मोर देन टू, ठीक है डिवाइड दिस एप्पल एमोंग फाइव चिल्ड्रेन, पांच के भीतर इसको डिवाइड करो, तो उसमें हम एमोंग लगाएंगे। देन क्वेश्चन में भी आस्ट, क्वेश्चन में भी अराइज, एमोंगस्ट फिर कब लगाएंगे, एमोंग और एमोंग में, एमोंगस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग, एमोंगस्ट तब लगाते हैं जैसे एमोंगस्ट आस, ठीक है एमोंगस्ट ऑल, ठीक है यहाँ पे एस टी क्यू लगाए, एस टी इसीलिए लगाया गया है कि यहाँ पे भावेल है, ठीक है अगर भावेल होगा तो ये एमोंगस्ट लगेगा, अगर भावेल नहीं होगा, एमोंग सपोज ये एमोंग दी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्यों एमोंगस्ट नहीं लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे भावेल नहीं है, दी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एमिस्ट, एमिस्ट मतलब भी वही है, मतलब बीच में, ठीक है एमिस्ट द क्लब मेंबर्स, क्लब मेंबर्स के अंदर, ठीक है सपोज ये कहना चाहेंगे हम कि क्लब मेंबर्स के अंदर कोल्ड वार चल रहा है, तो इसमें हम एमिस्ट लगाएंगे, ठीक है। फ्रॉम को तो आपको आप तो जानते ही होंगे, फ्रॉम लगेगा तो टू भी लगेगा, ये याद रखना है, फ्रॉम बॉम्बे टू कोलकाता, ठीक है बॉम्बे से कोलकाता, से जब भी से आएगा तो टू लगाएंगे। देन इन अभी बताएं इनसाइड, ठीक है और इनटू कब लगेगा, फिर इनटू तभी लगेगा, ये याद रखिए, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं इसको, इन और टू लग, इन और टू मिला करके ये कंपाउंड वर्ड बना है, तो इसीलिए कभी भी अगर कंपाउंड वर्ड आएगा तो कब आएगा, ये जब भी मूवमेंट होगा या फिर मोशन होगा, जैसे वॉकिंग इनटू द रूम, लेकिन
ही इज इन द रूम सिटिंग इन द रूम, ठीक है, ये बैठा है इसीलिए इन लगाया है, ये वर्क कर रहा है मूवमेंट हो रहा है इसलिए इनटू लगाया गया। नयार में चलते हैं, नयार मतलब पास में नजदीक, तो ये तो आप सबको पता होगा ऑफ और ऑफ के बीच में क्या अंतर है। ऑफ को तभी लगाते हैं जब भी सेपरेट होता है, सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन होता है। कैसे? लिप फॉल ऑफ, ठीक है, लिप फॉल ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच हमने क्यों ऑफ किया, स्विच ऑफ क्यों होगा, क्योंकि सेपरेट होता है, ये एक स्विच है और ये तार है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, इसको सेपरेट करेंगे स्विच को ऑफ करके, इसलिए और डबल एप लगा, फॉल ऑफ, नीचे गिर गया मतलब पैड से अलग हो गया है, इसीलिए जब भी सेपरेशन का केस आएगा तभी डबल एप लगाएंगे। और ऑफ के बारे में तो आपको सबको पता है, ठीक है, ऑफ कोलकाता, ठीक, ऑफ ऑफ रहीम, रहीम का है, कोलकाता का है, तो ये जो का है इसको हम ऑफ में लिखते हैं। देन बाय, बाय कब लगाएंगे, जैसे बाय को टाइम में भी यूज किया जाता है, बाय 5 o'clock, 5 पाँच तक, 5 बजने तक आ जाना, बाय 5 o'clock, बाय मी, मेरे से हुआ, मेरे द्वारा हुआ, बाय सीता, सीता के द्वारा हुआ, ठीक है। देन डाउन तो आप सबको पता ही, इसके बारे में और नहीं बताना है, और नीचे जब जाएंगे तो डाउन लगाएंगे। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी मैंने टू के बारे में बताया, आई एम गोइंग टू कलकत्ता, कलकत्ता जा रहा हूँ, टू चेन्नई, ठीक है, चेन्नई जा रहा हूँ, ये गिव हिम, गिव इट टू हिम, टू हिम, इनको दे देना, तो इस केस में टू लगाते हैं, जैसे टू आर्स, फिर आया टू आर्स, टू आर्स क्या है, ही इज रनिंग टू आर्स मी, मेरे ओर आ रहा है, टू आर्स रनिंग, टू आर्स मी मतलब मेरे ओर आ रहा है, अपन को बिठाएंगे अपन, और ऑन और अपन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, और मैंने इसको ठीक से एनालाइज किया तो आप इसको सीखिए जरूर। ऑन और अपन में ऐसा कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, फिर भी हम जैसे डिपेंड अपॉन, डिपेंड, डिपेंड के साथ हम लोग डिपेंड ऑन भी बिठाते हैं और अपन भी बिठाते हैं, लेकिन आई डिपेंड ऑन माई फादर होगा कि अपन माई फादर होगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने देखा जब भी अपन तभी लगाएंगे जब जिसमें हमको डिपेंड करना ही है, नहीं करने से नहीं चलेगा, तभी अपन लगाएंगे, ठीक है। जैसे आई डिपेंड अपन माई फादर, वी डिपेंड अपन प्लांट्स, बट वी डिपेंड ऑन टेलीविजन, टेलीविजन में हम कौन लगाएंगे, लेकिन पेरेंट्स और पेड़ पौधे इसमें डिपेंड अपन लगता है, अभी कहीं भी आपको, ठीक है। और अपन और कब लगाते हैं, जैसे अपन और कब लगता है, कुछ वार्स हैं जिनके बाद अपन लगता है, जैसे बेस्ट अपन, बेस्ट अपन फैक्ट्स, सत्य के ऊपर आधारित है, बेस्ट अपन फैक्ट्स। देन चलते हैं विथ, विद इन, विथ कैसे होता है, विथ, विथ मतलब साथ में, जैसे ही इज वॉकिंग विथ मी, वो मेरे साथ चल रहा है। और कब लगता है, विथ ही किल्ड, ही किल्ड अ रैट विथ नाइफ, चाकू से उन्होंने मारा, ठीक है, विथ गन, गन से मारा, तभी विथ का यूज किया जाता है।
बाय मोहन, ठीक है, मोहन के द्वारा मारा गया, बाय मोहन, हुई थे गान, हुई थे गान, और विथ का मतलब साथ, विथ मी, विथ हरी, विथ हीरालाल, विथ मनिकलाल, इस तरह से। देन विद इन 5 वीक, 5 हफ्ते के अंदर, विद इन मी, मेरे में है, विद इन, ठीक है, ये चीज मेरे में है, विद इन मी, मेरे अंदर है, तो तभी विद इन लगाते हैं। विद इन 5 वीक, 5 हफ्ते के अंदर, देन बिफोर, बिफोर का मतलब जैसे आगे, जैसे बिफोर मी, ठीक है। और क्या कब लगता है? 5 comes before 6, 6 से पहले 5 आता है, तभी हम बिफोर लगाते हैं। कभी कभी इन फ्रंट ऑफ के बदले में भी हम बिफोर लगाते हैं। देन बिहाइंड का मतलब आप सबको पता, बिहाइंड का मतलब तो आपको पता है, बिहाइंड मतलब पीछे। और थ्रो, थ्रो कैसे लगाएंगे? थ्रो दी जंगल, जंगल, ये सपोज जंगल है, वी वॉक थ्रो दी जंगल, अंदर में घुस के जा रहा है, तो ठीक है, तभी हम थ्रो लगाते हैं। वी आर वॉकिंग थ्रो दी जंगल, मतलब हम लोग अंदर घुस के जा रहे हैं। अभी टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशन जो मैंने बताया था आपको, ऑन, ठीक से देखिए, ठीक से देखना, पहले ऑन, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन मंडे, ऑन 15th March, ठीक है, ऑन मंडे, ऑन 15th March, तो डेट और डे के बाद, डे से पहले हम इसको लगाते हैं। इन को कब लगाएंगे? इन 1975, ठीक है, साल ईयर में लगाएंगे। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन मार्च, डेट नहीं, सिर्फ महीना, ठीक है, मार्च का महीना होगा तभी लगाएंगे। जैसे साल में लगाएंगे, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन मार्च, ठीक है। फ्रॉम और टू कब लगेगा, ये मैंने बताया था आपको, एग्जाम होगा लेकिन 5 November से 2, 18 November, फ्रॉम 5 to 18, तभी हम फ्रॉम एंड टू लगाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग कब लगाया जाएगा? ड्यूरिंग ए वेकेशन, ड्यूरिंग पूजा वेकेशन, मतलब टाइम पीरियड होगा तब, वेकेशन, ठीक है। मीटिंग जब चल रहा था तभी उन्होंने फोन किया, तो ड्यूरिंग दी मीटिंग, मीटिंग चल रहा था, तो ये टाइम पीरियड है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिंगिंग लगाया। एट कब लगाएंगे? एट 5 PM, एट नून, ठीक है, एट नून, एट नाइट, स्पेसिफिक टाइम होगा तभी एट लगाते हैं। सिंस कब लगाएंगे? सिंस 5 PM, ठीक है, सिंस 1990, तब से पढ़ रहा है, 5 PM से पढ़ता आ रहा है, और 1990 से ये रह रहे हैं, सिंस मंडे, मंडे से ये आ रहा है, ठीक है। फॉर भी सिंस, जब सिंस जहाँ पे लगेगा, फॉर भी उसी स्टेट में लगेगा, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा, जैसे फॉर 5 days, अप्रोक्स 5 days, 5 hours, 5 minutes, ठीक है, 5 years, इस तरह से वो 5 साल हो गया यहाँ पे रहते आ रहे हैं, ठीक है, तब 5 साल से, लेकिन
फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स, तभी अप्रोक्सीमेटली होगा तभी हम 4 लगाएंगे, और एक्यूरेट होगा तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। देन विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर मैं आऊँगा, 3 डेज के अंदर, 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ्स द वर्क विल बी कंप्लीटेड, विद इन शुड बी द वर्क, यू हैव टू कंप्लीट द वर्क विद इन 3 मंथ्स, यू हैव टू कंप्लीट द जॉब विद इन 3 डेज, सो 3 दिन के अंदर तभी हम विद इन लगाते हैं। बिटवीन, यहाँ पर अगेन बिटवीन 5 AM एंड 7 AM, 5 और 7 के बीच में वो आए थे, तो तब इसीलिए हमने बिटवीन लगाया यहाँ पे, बिटवीन 5 AM एंड 7 AM। देन बाय मतलब तक, जैसे बाय 5 PM तुम कब लौटोगे, बाय 5 PM 5 तक, लेकिन 5 बजे तक मतलब एक्यूरेट नहीं है, 5 के अंदर कभी भी मैं आ सकता हूँ, ठीक है। कब पहुँचोगे दिल्ली, कल शाम तक, मतलब बाय द इवनिंग टुमारो। कब पहुँचोगे USA, परसों पहुँचेंगे, परसों तक, बाय थर्सडे और बाय नेक्स्ट मंथ, इस तरह से। तो ये था टाइम प्रीपोजिशन वाला। देन इसके बाद हम प्रीपोजिशन का सेकेंड पार्ट भी देंगे, जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड प्रीपोजिशन होगा। तो ये अगर इसमें भी 60-70 क्वेश्चन है, और मतलब 100 से 125-30 के अंदर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसी को आप कर देते हैं, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो CGL और CHSL एग्जाम है, या फिर स्टेट लेवल का जितने भी एग्जाम है, उसमें आपको सब प्रीपोजिशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है ये सब आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। दिस वॉज ऑल दैट आई हैव फॉर टूडेज वीडियो। बी ए करियरिस्ट एंड ऑलवेज बी इनसाइड द कल्चर ऑफ सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।